तो जाइए घर जाइए, आराम कीजिए, अब उम्र हो गया। नहीं भाई, खटूंगा। खटिएगा? हाँ खटूंगा। ठीक है, खटूंगा मैं तो, टाइट रहूंगा। हाँ तो आपका बात से मुझे अच्छा लगा, जब तक इंसान का शरीर चल रहा है जब तक काम करना चाहिए। हेलो हेलो, आपका भाई का दो दिन पहले एक मैसेज आया, एक बड़े यूट्यूबर था, हेलो 13 मिलियन उसका सब्सक्राइबर था। देखिए भाई साहब आर्टिस्ट है, वो दीदी का यहाँ पे फोटो बना दिए, बनाइए। नमस्ते भैया लोग, कैसे आप सब? आपका भाई के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मैं लोग मैं भी हूँ दुर्ग में, ये रायपुर सिटी है। भैया लोग अभी सुबह 8 बज रहा है, आपका भाई अभी तक सोया नहीं है, 24 घंटा हो गया। भैया लोग चलिए, भैया लोग दुर्ग में आरंग में जाकर टंकी फुल करेंगे और वहाँ पर नहा वहा कर सोएंगे। भाई के साथ बने रहिए। आज भैया लोग ब्लॉग में यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिए सिंगल हो गया है ये भैया लोग, 10 सेकंड का सिंगल है भैया लोग। ये गाड़ी पास होता है सिंगल कर देता है। देखिए बच गया। मार दिया था भैया, सामने में भी मारा है। आज देखिए मिट्टी गाड़ी जा रहा है भाई का, तिरपाल उड़ गया पीछे से। चलो मारुति वाला की गलती है, गया बाइक बना, दोनों नहीं माना, वो सीधा उड़ रुकेगा तो वो रुकेगा, मारुति वाला को उड़ा दिया बाइक वाला के। भैया लोग गाय आने पर किसी को भैया एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होता है। भैया लोग हेलो, मैं आरंग पंप में आ चुका हूँ। तो देखिए अपना टंकी फुल हो रहा है, तो यहाँ डीजल का दाम है 95E44, हमारे ये कहते हैं 95 रुपया 44 पैसा, तो यहाँ दाम ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, तो ये बंगाल में आपका 92 रुपया दाम है। तो आपका भाई का टंकी में फुल होगा, 30,000 जाएगा, ये समुंदर है मेरा। ये देखिए भाई साहब आर्टिस्ट है, वो दीदी का यहाँ पे फोटो बना दिए, देखिए। ए भाई मेरा बनाइए, वो अच्छा बना दिए यार। अच्छा पंप में क्या कर रहे हैं आप, मुझे बनाइए तो इनका फेस बना दिया, देखिए बॉस भैया देखते हो फोटो, बॉस तो दिखा दे। ओ हो, पहली बार देखा है? हां पहली बार देखिए। 800 बस रन दीजिए भाई। कितना? हां कम यार, क्या कर रहे थे मैडम भैया? यहां सही में भाई बना दी है, सही है। आगे इनका फोटो मस्त बनाया है, आज नजर में बैठा हुआ है ये बॉय ना, गिरीश धोआ गया है तो गिरीश मंगवा लेते हैं। अरे भैया जी अच्छा से मारिएगा, गाड़ी जाम है, ठीक है स्टीयरिंग स्टीयरिंग देखिए बारिश में सब धोआ जाता है, तो गिरीश मंगवा लेते भैया लोग, जाते हैं नहाने। तो भैया लोग जब तक गिरीश मारे जब तक जाके नहा लेते हैं, वो सामने में हौदा है, वो सामने में हौदा है, बहुत बड़ा पंप है। हेलो भैया आपका भाई नहा लिया, भैया देखिए सामने में हौदा था तो वहाँ पे नहा लिए है। भैया लोग जाते हैं खाना खाने, टाइम 12:30 बज गया है, तो भैया लोग यहीं पर खाना खा के निकलते हैं, एक बार समरपुर तक चलते रहेंगे। देखिए मेरा खाना इधर में आ चुका है, देखिए दाल फ्राई है, दाल फ्राई तंदूरी रोटी, हेलो भैया लोग आपका भाई खाना खा लिया, अब निकलते हैं भैया लोग, 1 बज गया है, 1 नहीं 1:30 बज गया है। देखिए चश्मा पी लेते हैं, धूप हो रखा है। भैया लोग यहाँ से निकलते हैं संबलपुर तक 920। देखिए गियर ये टाइट क्यों है, गियर लेवल टाइट हो गया है, पता नहीं किस लिए। भैया लोग
पंपे में सब चीज कर लिए, नहा लिए, सब चीज कर लिए पंपे में, तो सब चीज यहाँ पे फोटा फोटा सब है, नहाने वहाने सब सिस्टम है। हेलो मैसेज किए मेरे साथ काम कीजिएगा यूट्यूब पर। मैंने बोला भैया कैसा काम, बोले आपका वीडियो मैं अपना यूट्यूब पर डालूंगा और उसका सब्सक्राइबर भाई कैसा मालूम है, सुनिएगा था आपका भी होश उड़ जाएगा, 13 मिलियन सब्सक्राइबर था। बोला आपका बोला मैं डालूंगा अपना यूट्यूब पर। मैं बोला मुझे क्या फायदा, बोला जो रेवेन्यू होगा मैं आपको दूंगा। तो मैं कुछ बोला नहीं, उसने आप लोग से राय विचार ले रहे हैं क्या करें भैया लोग, कमेंट कीजिए उसको डाले वीडियो दे कि नहीं दे। अब भैया लोग मुझे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग का प्यार चाहिए। आपका कल एक सब्सक्राइबर भाई से मिले, बहुत अच्छा था बेचारा, नाइस मैन। तो ऐसे भैया लोग प्यार करते रहिए, अपना भाई को सपोर्ट करते रहिए, एक से एक ब्लॉग बना देंगे, एक से एक ब्लॉग आप लोग को मिलते रहेगा, प्यार कीजिएगा तब ना भैया लोग। अब वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका भाई का आप लोग का सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो तो आप लोग बहुत देखते हैं, बाकी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई लोग आ चुके हैं सराय पाली बॉर्डर। तो भाई लोग पीछे में 20 किलोमीटर पीछे में भाई लोग एक घंटा सो गए थे, अब भाई का नींद आ रहा था, तो अभी टाइम बज रहा है 6, तब वो 4 बजे आके वहाँ सोए थे, तो 5 बजे उठ गए, अब रात में भाई लोग गाड़ी चला देंगे, नींद हो गया पूरा। देखिए लाइन लगा है बॉर्डर में, देखिए तो भाई लोग यहाँ पर 100 रुपये लेगा ठप्पा मारने का, तो कोई बात नहीं, जो लेगा तो देना ही पड़ेगा। तो भाई हेलो भाई लोग आ चुके हैं टूल टैक्स पे, देखिए भैया, अरे भैया बाहर चले जाओ, कहाँ बोले हम, बाएं में खाली है तन्ने, ओहो देखिए बाएं वाला खाली है, इसमें आ गए, क्या बोले भैया लोग, आदमी आदमी से परेशान है, क्या कीजिएगा। तो भैया लोग ये बरगर का टूल टैक्स है बड़ा। हेलो भैया लोग आ चुके हैं संबलपुर, जाते रिसिप्ट जमा करने, देखिए वो सामने ट्रांसपोर्ट है मेरा, वो सामने लाइट बढ़ रहा है, हेलो प्रसाद ट्रांसपोर्ट, चाचा का सब पता है, हमको भी पता है, प्रसाद गाड़ी चलाते हैं आप, ड्राइवर है ही। तो अभी अभी क्या करते हैं, कुछ नहीं अभी घूम रहा हूँ, गाड़ी हमारा गया रोडी, गाड़ी अब गाड़ी में नहीं रहना है आपको, गाड़ी नहीं चलाते है, ऐसे घूमते है, घर चलते है। कितना आपका उम्र हुआ, हमारा होना 69 चल रहा है, 70 साल के है, बाबा रे कितना उम्र का ड्राइवर है, 1970 का मेरा लाइसेंस, 1970 का 5 जनवरी 1970 का मेरा लाइसेंस। इतना बड़ा ड्राइवर है, हाँ जी संबलपुर आती हूँ, 50 साल से ये ड्राइव करते होंगे, हाँ जी 50 साल का अंकल जी ड्राइवर है, अभी भी देखिए अच्छा ठीक ठाक अच्छा है। अब गाड़ी अपनी चलाते हैं, अब चलाते कि नहीं, छोड़ दिए, नहीं मैं क्या हुआ ना मेरा लाइसेंस नहीं यहाँ रिन्यूअल किया। अच्छा तो भैया लोग इनका अब लाइसेंस नहीं बन रहा है ना, हाँ, अब गाड़ी घोड़ी में जाता हूँ किसी के साथ, ओ गाड़ी घूमते है, तो भैया लोग इनका सरकार अब लाइसेंस नहीं दे रहा है, अब इनका उम्र बहुत हो गया है, तो जाइए घर जाइए आराम कीजिए, अब उम्र हो गया, नहीं भाई खटूंगा, खटिएगा, खटूंगा ठीक है, खटूंगा मैं तो टाइट रहूंगा, हाँ तो आपका बात से मुझे अच्छा लगा, जब तक इंसान का शरीर चल रहा है जब तक काम करना चाहिए। नमस्ते भैया, नमस्ते, बहुत दिन के बाद मिल लिया, तो कल ठंडा ना वैसा है, तो इसी चला के बैठे हुए, बाप रे बाप, ट्रांसपोर्टर बाबू है, इन्हीं से माल भरते हैं, प्रसाद जी तो पैसा, तो भैया अंकल जी भैया लोग बोलते मुझे रोटी खिला दो बच्चा, तो जाते उनको पैसा दे देते, खाना खा लेंगे, उम्रदार आदमी है, बहुत दिन का ड्राइवर है, 70 साल उम्र उम्र हो गया, तो रोटी खिला देते उनको, और सामने ठहरे है, लगता पैसा उनके पास नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, तो ऐसे भी आपका भाई सबको हेल्प करता है, जो भैया मेरे पास आता है बुजुर्ग आदमी, तो आपका भाई जितना होता है उतना हेल्प कर देते हैं, भैया लोग हेल्प करना भी चाहिए, खाना खा ला है ठीक बा, भैया लोग पैसा उनको दे दिए है,
वो खाना खा लेंगे हम निकलते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है भाई के पास। वो तो उम्रदार आदमी होता है ना, ये देखे कड़ा फंस गया रे मत सला लिखते। परेशान है जी, सबसे परेशान है हम, क्या बोले हम आपका भाई का सब परेशान करते रहता है, काटा फाटा का लकड़ी फकड़ी। देखिए भैया लोग जो भी आपके पास आए भैया लोग, उम्रदार हो बुजुर्ग आदमी हो तो आप हेल्प करते रहिए। अब भैया नीचे देखे थे ना, कोई गड्ढा है उसी में कूद जाएंगे। देखिए गाड़ी भाग रही है, गाड़ी बहुत स्पीड में है। भैया लोग गाड़ी में आ गए, यहाँ से निकलते हैं, जाके आगे खाना खाएंगे। देखिए भैया लोग कितना गड्ढा है, बाप रे बाप, इसी में भी कूद जाते हैं। तो भैया लोग कभी भी नीचे चल देख के चलना चाहिए कहाँ पे क्या गड्ढा है। हो गया यहाँ से निकलते हैं, भाई साथ बने रहिए। हेलो भैया लोग, आपका भाई आ चुका है मदरवा मंदिर। भैया लोग संबलपुर से भैया लोग आगे में है। भैया लोग जाते हैं खाना खाने, लग गया आपका भाई का भूख, क्योंकि गाड़ी अब चलेगा नहीं। आपका भाई से भूखे प्यासे गाड़ी नहीं चलता है। देखिए सामने में होटल है, देखिए सामने में होटल है और मंदिर है सामने, देखिए बहुत बड़ा मंदिर है। भैया यहाँ से घाट स्टार्ट होगा भैया लोग, ये पहाड़ के नीचे में मंदिर है जस्ट। भैया लोग जाते हैं खाना खाने गाड़ी को लॉक करके। हेलो भैया लोग, आपका भाई का खाना आ गया। देखिए रोटी है, रोटी चना मसाला अंडा पोच, ताजे वाजे मिर्च उर्ची है। वो फोटो वाले बाबू है तो बहुत दिन से यहाँ खाना खाते हैं, जान पहचान है। तो भैया लोग खाना खाते हैं फिर खाओ के निकलते हैं यहाँ से। हेलो, आपका भाई आ चुका है काजूपानी घाट। तो देखिए सामने में घाट है, पहाड़ है, आपको यहाँ से दिखेगा नहीं। अभी रात है, अभी टाइम 2 बज रहा है। भैया लोग देखिए सामने में टूल टैक्स है, घाट के नीचे में टूल टैक्स है। तो मैं टूल टैक्स भैया लोग मैं कटवा के टैक्स टू सब देख लिए है, सब ठीक ठाक है। भैया लोग यहाँ से निकलते हैं, भैया लोग देखते हैं कहाँ तक चल रहे हैं, आपका भाई का नींद कब तक साथ दे रहा है क्या बोलिएगा। ओके भैया लोग यहाँ से निकलते हैं। हेलो भैया लोग, आपका भाई आ चुका है जसीपुर। भैया लोग तो देखिए सामने में एक टूल टैक्स है जसीपुर वाला। तो भैया लोग यहाँ पे आकर अभी रुके, चाय पी के फिर निकलेंगे। भैया लोग आपका भाई गाड़ी चला दिया है राजनांद गाँव से लेकर यहाँ नमसोला तक अभी चलाएगा गाड़ी, तो 800 किलोमीटर होगा मेरे यहाँ से। तो आपका भाई भैया लोग, आपका भाई जब भी गाड़ी चलाता है 800, 700, 900 किलोमीटर एक बार में गाड़ी चलाता है। तो कमेंट कीजिए आपका भाई का ड्राइव, क्योंकि भैया लोग कोई नशा करके मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। देखिए मेरा मुंह फेस, कोई बात नहीं भैया लोग। तो भैया लोग यहाँ से निकलते हैं, जाके जब सोना पे सोएंगे। एक दो भैया लोग आपका भाई के गाड़ी में कुछ लफड़ा हो गया है, तो कल के ब्लॉग में आप लोग के भैया लोग मालूम चल जाएगा क्या लफड़ा हो गया है। अब बड़ा लफड़ा हुआ, छोटा मोटा नहीं, क्या बोले भैया लोग परेशान है। तो चलिए कोई बात नहीं, गाड़ी है होते रहता है। भैया लोग निकलते हैं, देखिए सूरज भगवान उग चुके हैं। तो भैया लोग ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, जय हिंद।